इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जेमिनोर 2 टैबलेट सल्फोनिल्यूरियास नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है और इसका उपयोग वयस्कों में टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। यह मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे मधुमेह की गंभीर जटिलताओं जैसे कि गुर्दे की क्षति और अंधापन को रोका जा सकता है। गेमिनोर 2 टैबलेट अकेले या अन्य दवाओं के साथ प्रयोग किया जा सकता है। इसे दिन के पहले भोजन के ठीक पहले या बाद में लेना चाहिए। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से प्रत्येक दिन एक ही समय पर लें। आपका डॉक्टर तय करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर आपके रक्त शर्करा के स्तर के अनुसार बदल सकती है। भले ही आपको अच्छा लगे या आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित हो, इस दवा को लेते रहें। यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के बिना इसे रोक देते हैं तो आपके रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपको मधुमेह की जटिलताओं जैसे कि गुर्दे की क्षति, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का खतरा हो सकता है। याद रखें कि यह एक उपचार कार्यक्रम का केवल एक हिस्सा है, जिसमें स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए। आपकी जीवनशैली मधुमेह को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इस दवा को लेने के सबसे आम दुष्प्रभावों में निम्न रक्त शर्करा का स्तर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, मतली, सिरदर्द और चक्कर आना शामिल हैं। सुनिश्चित करें कि आप निम्न रक्त शर्करा के स्तर के लक्षणों को पहचानते हैं, जैसे कि पसीना, चक्कर आना, सिरदर्द और कपकपी, और उनसे निपटना जानते हैं। इसे रोकने के लिए नियमित भोजन करना महत्वपूर्ण है और हमेशा अपने साथ ग्लूकोज का एक तेज अभिनय स्रोत जैसे कि मीठा भोजन या फलों का रस ले जाना चाहिए। शराब पीने से आपके निम्न रक्त शर्करा के स्तर का खतरा भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए। कुछ लोगों को इस दवा के साथ वजन में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। यदि आपको टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी कि आपके रक्त में एसिड का उच्च स्तर, या यदि आपको किडनी या लीवर की गंभीर बीमारी है तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको कभी हृदय रोग, थायरॉइड रोग या कुछ हार्मोनल स्थितियां हुई हैं, क्योंकि यह उपयुक्त नहीं हो सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपके रक्त शर्करा के स्तर की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और आपका डॉक्टर आपके रक्त कोशिकाओं की संख्या और यकृत के कार्य की निगरानी के लिए रक्त परीक्षण की सलाह भी दे सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।